नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के बांधों से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। जनपद जालौन के सीमावर्ती क्षेत्रों में यमुना नदी में जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज मंडलायुक्त झांसी संजय गोयल ने आज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। आज मंडलायुक्त झांसी संजय गोयल जगम्मनपुर स्थित पचनंद धाम पर यमुना नदी के पुल पर अधिकारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जनपद जालौन में बनाई गई बाढ़ राहत चौकियां सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। आपको बताते चलें कि जनपद जालौन में 27 बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। गोताखोरों की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बांधों से छोड़ा गए पानी के कारण जनपद जालौन की समीपवर्ती यमुना और बेतवा दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि देर रात के बाद बेतवा नदी का जलस्तर कुछ गिरा है, लेकिन यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है और बाकायदा कुछ जिलों को इस पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आज मंडलायुक्त झांसी संजय गोयल ने जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। जिलाधिकारी जालौन अन्य जिले के अधिकारियों के साथ वो पचना धाम स्थित वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने जगम्मनपुर के पास से पुल पर खड़े होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जनपद जालौन के समीपवर्ती इलाके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं वहाँ विशेष सतर्कता बरती जाए। इसके लिए अगर जिला प्रशासन की तैयारी की अगर हम बात करें तो 27 बाढ़ राहत चौकियाँ बनाई गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही जिलाधिकारी जालौन ने भी लोगों से अपील की है कि वो समीपवर्ती क्षेत्रों में यानी यमुना नदी की जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की संभावनाएं हैं या जहां पर जनहानि होने की संभावना है वहां पर वो न जाएं। और खासकर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो जो है सेल्फी लेने के बहाने नावों पर जो है इस तरीके से कोई काम ना करें जैसा कि पिछली बार हुआ था। कालपी में एक यमुना नदी में सेल्फी लेने और पिकनिक मनाने के बहाने 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण के बाद जो है प्रशासन इस बार कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। मंडलायुक्त संजय गोयल की अगर हम माने तो बिल्कुल प्रशासन जो है बिल्कुल चाक चौबंद है। बाढ़ राहत चौकियां भी व्यवस्थित हो गई हैं। लोगों को जो निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ की संभावना है वहां से निकाल कर जो है सूखे क्षेत्र में लाया जा रहा है। कुछ गाँवों के विद्यालयों को खाली कराया गया है, वहाँ पर जो है अस्थायी बाढ़ राहत कैंप भी बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो बाढ़ की स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह के चाक चौबंद है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक जनपद जालौन के समीपवर्ती यमुना नदी कुछ किनारे गांव हैं, उन गांवों का संपर्क जो है मुख्य मार्गों से टूट गया है। इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि भदेक से नैनापुर के बीच जो एक रपटा मार्ग है उस पर भी पानी आ गया है। साथ ही कुछ और गाँव हैं, लगभग 8 से 9 गाँव ऐसे बताए गए हैं जिनका संपर्क जो है अभी मुख्यालयों से टूटा हुआ है। वहाँ पर प्रशासन द्वारा राहत और बचाव सामग्री पहुँचाई जा रही है और तथा मौके की वस्तुस्थिति से पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है।